नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह के रहनुमाई अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नज़ीर। आज के रहनुमाई ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बच्चा अपने पैर के तलवों की खाल से मुख्तलिफ फर्श की पहचान करे और इसके हिसाब से चले, जैसे घास का फर्श, खाद का फर्श, मार्बल का फर्श, रेत का फर्श, कंकरियों और पत्थरों का फर्श, सीमेंट का फर्श, पहाड़ी तोतों का फर्श, लकड़ी का फर्श, मुंदरजा बाला फर्श का मुशाहिदा कराने के लिए आप बच्चे को मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर घास, खाद और मार्बल के फर्श के मुशाहिदे के लिए मज़ारे कायद लेके जा सकते हैं, जहां घास, गीली खाद और मार्बल के फर्श पर आप बच्चे को नंगे पैर चलाकर इसे तीनों फर्श का मुशाहिदा करवाएं और इसे याद करवाएं। फिर इससे सवाल पूछें कि कौन सा फर्श घास का है और कौन सा गीली खाद का, और इसी तरह मार्बल के फर्श के बारे में पूछें। जब तक बच्चा सही जवाब ना दे इसे याद करवाते रहें। अब रेत का फर्श दिखाने के लिए इसे सी साइड यानी समंदर के किनारे ले जाएं और तपती रेत और भीगी रेत दोनों का मुशाहिदा करवाएं। इसी तरह सीमेंट के फर्श की पहचान करवाएं और इसे याद करवाएं। इसी तरह नुकीले पत्थर और कंकरियों वाले फर्श की यानी मैदानी इलाके में ले जाएं और इसे याद करवाएं। लकड़ी से बनी हुई जगह की भी इस तरह पहचान करवाएं। ख्याल रहे कि ये सारी पहचान पैर के तलवों से ही हो। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलेंगे नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।